हेलो फ्रेंड्स, एस्टिक एसिड ये रेमेडी हमारे प्रिस्क्रिप्शन के साथ बहुत अच्छे से जाती है और एसिड ग्रुप की रेमेडी है, तो कुछ सिम्टम जो है नोन है, एवरीबडी नो दिस। इसकी क्या पिक्यूलैरिटी है, क्या करेक्टरिस्टिक है क्रॉनिक कंडीशन के साथ, वो जानना हमारे लिए जरूरी है। मैंने इसका पूरा वीडियो यूट्यूब पे लिया हुआ है, आज ही मैंने वो वीडियो अपलोड किया है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। बट कुछ क्लिम्सी हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। इन शॉर्ट देखिए, अगर आप इस रेमेडी को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो तो कुछ चीजें हैं जिनके साथ आपको जाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ आप देखोगे कि ऐसे पेशेंट्स जो एमएसिएटेड हैं, दुबले पतले हैं, बहुत ज्यादा वीक है, वीकनेस, एमएसिएशन विद ग्रेट वीकनेस एंड क्रॉनिक कंडीशन ऑफ ट्यूबरकुलर कंडीशन, टीबी जिन्हें हो रहा हो, या फैमिली से इनहेरिटेड हुआ हो ट्यूबरकुलोसिस, और साथ में क्रॉनिक डायरिया की हिस्ट्री हुआ हो, इतना ज्यादा उसको डायरिया हुआ, इतनी क्रॉनिक कंडीशन रही, इतना लॉन्ग टर्म तक रहा कि जितने भी वाइटल एलिमेंट्स थे, इसेंशियल सॉल्ट्स थे, वो बॉडी से कहाँ निकल गए, बाहर निकल गए, और उस वजह से पेशेंट में वास्टिंग है, देर इज वीकनेस, देर इज एमेसिएशन। दिस इज द बेसिक कॉज कि एसिटिक एसिड में क्यों है इतनी ज्यादा वीकनेस, राइट। तो अगर आप इसकी कंडीशन के साथ और जाना चाहो, एक कॉम्बिनेशन जो हम इस रेमेडी का देखते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें मिलेंगी ही। साथ में आप देखोगे कि इसकी जो यूरिक एसिड की कंडीशन है, इसकी जो यूरिन की कंडीशन है, उसमें भी आप देखोगे कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट वाइट यूरिन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन विद ग्रेट वीकनेस, और साथ में जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जॉइंट देखिए क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, क्यों रिमेटिक कंडीशन भी साथ में रन करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्ट्स है उनकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो कैल्शियम विल बी लॉस, मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी होगी, पोटेशियम की होगी, जो यू नो कार्टिलेजेस को स्ट्रेंथन करते हैं, तो रूमेटिक कंडीशन यहाँ पे एसोसिएटेड हो सकती है। क्रॉनिक जो डायबिटिक कंडीशन है, उसमें भी कई बार हम देखते हैं कि एसिडिक एसिड निकल के आता है, तो क्यों आता है, क्या सिम्टोमेटोलॉजी इसके साथ रहती है। सिमिलरली जैसे कि आप देखोगे डायबिटिक के पेशेंट में, देर इज ग्रेट वीकनेस, देर इज थर्स्ट, पेशेंट इज थर्स्टी, यूरिया सॉरी यूरिन बार 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 आता है, तो ये नॉर्मल सिम्टम है किसके, डायबिटीज के। बट एसिटिक एसिड क्यों रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर ऐसे पेशेंट जिनके साथ एमेसिएशन है, क्रॉनिक डायरिया की कंडीशन है, एंड दे आर सफरिंग लॉन्ग फ्रॉम ट्यूबरकुलर कंडीशन, एंड दे आर हैविंग रूमेटिक कंडीशन, आप इस रेमेडी के साथ जा सकते हो और इसकी जो स्पेसिफिसिटी आप देख सकते हो किसी भी क्रॉनिक कंडीशन के साथ। तो चाहे क्रॉनिक डायरिया हो, क्रॉनिक एमेसिएशन विथ वीकनेस, यस, एक चीज और कहना चाहूंगी, यहाँ पे वीकनेस वेल मार्क्ड है। वीकनेस वेल मार्क्ड का मतलब क्रॉनिक वीकनेस, कई सालों से डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत कमजोरी होती है, मैं तो दवाइयां लेते जा रहा हूँ, डाइट लेते जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट मेरी जो कमजोरी है वो नहीं जा रही है। एंड व्हेन यू विल गो फॉर हिस्ट्री, तो आप देखोगे क्रॉनिक डायरिया की हिस्ट्री है यहाँ पे, है ना, क्रॉनिक एनीमिक कंडीशन है, क्लोरोटिक कंडीशन है, पेशेंट में एचबी बहुत ज्यादा लो है, इस तरह के पेशेंट, और वो डायबिटिक भी है, तो डायबिटीज के पेशेंट में, जो डायबिटिक मलाइटस के पेशेंट होते हैं, वहां पे आप देखोगे उनका क्या होता है, वेट सडन लॉस हो जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट वीकनेस फील नहीं करते, बट विद एसिटिक एसिड देयर इज ग्रेट वीकनेस एंड द वन स्पेसिफिक सिम्टम एंड दैट इज अनक्वेंचेबल थर्स्ट। थर्स्ट बहुत ज्यादा रहती है, एक्सट्रीम थर्स्ट रहती है, ना बुझने वाली प्यास रहती है, एकोनाइट में भी है, बट हमें डिफ्रेंशिएशन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, एमेसिएशन मिल रहा है, एनीमिया, क्लोरोटिक कंडीशन मिल रही है, वीकनेस मिल रही है, प्रोस्ट्रेशन मिल रहा है, राइट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एसिटिक एसिड को इंडिकेट करता है, और जब भी आप कोई रेमेडी फाइंड आउट करना चाहते हैं, व्हाट यू नीड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, यू नीड कंफर्म्ड सिम्टम कि भाई हाँ हमें इस रेमेडी को सेलेक्ट करना है, ये सिम्टम आ रहे हैं अगर, तो हम इस रेमेडी के थ्रू जाना चाह रहे हैं, तो क्या है जो हमें इस रेमेडी के साथ ही जाना चाहिए, क्या स्पेसिफिसिटी या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हैं जो आपको इस रेमेडी को इंडिकेट करते हैं। पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के पूरी रेमेडी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके काफी सारी रेमेडी को होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड